बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और कियारा आडवाणी की फिल्म जुग जुग जियो 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले करण जौहर ने फिल्म के पोस्टर रिलीज करके सिनेमा लवर्स की धड़कनें तेज कर दी हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि करण ने एक नहीं बल्कि एक साथ चार पोस्टर रिलीज किए। डालिए एक नज़र। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के भाई सोहेल खान तलाक लेने जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले सोहेल खान और उनकी पत्नी सीमा खान को फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया। बता दें कि सोहेल और सीमा शादी के 24 साल बाद अलग होने जा रहे हैं। राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा की फिल्म हिट की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म 15 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजकुमार राव एक पुलिस के किरदार में इस फिल्म में दिखाई देंगे। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी को आगामी फिल्म भूलभुलैया 2 के प्रमोशन के दौरान अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट में देखा गया, जहां दोनों एक्टर ने गुजराती थाली का आनंद लिया, जिसके बाद दोनों ने गेम्स भी खेले। सलमान खान ने क्वीन कंगना की अपकमिंग फिल्म धाकड़ के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर कर उसकी तारीफ की। सलमान के पोस्ट को रीशेयर करके कंगना ने लिखा, थैंक यू माई दबंग हीरो, हार्ट ऑफ गोल्ड। इसी के साथ कंगना ने आगे लिखा कि मैं फिर कभी नहीं कहूंगी कि मैं इस इंडस्ट्री में अकेली हूं। पूरी धाकड़ टीम की ओर से धन्यवाद। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सबा आजाद अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर बज बनाए हुए हैं। ऐसे में सबा आजाद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी अगली फिल्म की घोषणा की। जैसे ही सबा ने ये पोस्ट शेयर किया, वैसे ही ऋतिक रोशन का कमेंट आया। ऋतिक ने लिखा, हाँ हाँ, तुम इसमें शानदार नजर आओगी, उई उई। इस पर सबा ने रिप्लाई किया, हाँ हाँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, मॉन अमोर। वेल, आपको बता दे कि ये फ्रेंच भाषा है, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेरा प्यार, यानी कि माई लव। अब इस कमेंट के बाद लोगों का मानना है कि दोनों ने जाने अनजाने में अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है। कंगना रनौत फिल्म धाकड़ को प्रमोट करने के लिए चंडीगढ़ पहुंची। इस दौरान कुछ स्टूडेंट के साथ अपनी फिल्म के गाने शी इज ऑन फायर पर कंगना ने ठुमके भी लगाए। बता दें कि एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के स्टेटमेंट, बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, इस पर अब कंगना रनौत ने रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो सही कह रहे हैं, बॉलीवुड महेश बाबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस फैक्ट से वाकिफ हूँ कि बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स ने उन्हें कई फिल्में ऑफर की हैं और उनकी जनरेशन ने अकेले ही तेलुगु फिल्म उद्योग को भारत में नंबर वन फिल्म उद्योग बना दिया है। कियारा आडवाणी और वरुण धवन ने अपनी फिल्म जुग जुग जियो का जमकर प्रमोशन किया। इस दौरान कियारा ने अपनी हॉटनेस से टेम्परेचर भी बढ़ाया। डालिए एक नज़र। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के साथ थिएटर्स में कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 2 भी रिलीज हो रही है। ऐसे में अब इस क्लैश पर कंगना रनौत ने चुप्पी तोड़ी है। एक्ट्रेस ने कहा, हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर फिल्म को सोलो रिलीज नहीं मिल सकती है। जहाँ तक बात कार्तिक आर्यन की है, तो मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में नाम बनाया है और अकेले खड़े हुए हैं। मुझे कार्तिक आर्यन का काम काफी पसंद है। फिल्मों में होने वाली टक्कर की बात करें तो मुझे लगता है कि दो अच्छी फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर शानदार कमाई कर सकती हैं।